हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स एन्वायरमेंट की जो पी टी थ्री सिक्सटी फाइव चल रही है ये उसका पार्ट नंबर थ्री होगा ये काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है इसलिए काफ़ी लेक्चर्स बन सकते हैं तो आप लोग सजेस्ट करो कि मैं बहुत बड़े लेक्चर बनाऊं या फिर फोर्टी मिनट्स के ही सही रहेंगे आई थिंक फोर्टी मिनट्स के सही रहेंगे अच्छे से फोकस कर पाओगे यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप से एंड ट्राई करेंगे कि ये यूनिट कम्प्लीट हो जाए एंड सेकेंड यूनिट में अगर पॉसिबल हुआ तो एंटर करेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह पूछते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो एंड अगर आपको कुछ छोटे छोटे यूपीएससी के कॉन्सेप्ट आने हैं तो फिर आप इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स भी बता दो कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा ओके सो लेट्स स्टार्ट हेयर सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स न्यूज़ में क्या होता है कि गेबॉन ने अनाउंस किया था अफ्रीका का लार्जेस्ट डेट फॉर नेचर स्वैप या फिर क्लाइमेट स्वैप जो भी बोलो आप वैल्यूड एट फाइव मिलियन डॉलर ओके अगर डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स की बात की गई यहाँ पे बताया गया कैसे है और यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया इन्होंने एक जो टाइप होता है डेट स्वैप इन इनवेस्ट द डेटर जो होता है ओके इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूइंग टू मेक एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स इन फॉरन करेंसी फॉरन करेंसी की जो क्या करता है वो कि लोकल करेंसी में पेमेंट करता है और कैसे करता है फाइनेंस करता है क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स को डोमेस्टिकली ऑन एग्रीड अपॉन आइटम्स ओके सो यहाँ पे ये अरेंजमेंट दिखाई गई है सो so आप चेक कर सकते हो सेम जो यहाँ पे लिखा है वही लिखा था फर्स्ट ये यूज किया गया था नाइनटीन एटीज में लैटिन अमेरिका में देन वर्ल्ड का जो फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डेट स्वैप है टू कंजर्व ओशियंस वो साइन किया था इक्वेड ने ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ठीक है टू कंजर्व ओशियंस ये याद रखना इंपॉर्टेंट है इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी सच डेट फॉर नेचर स्वैप स्टिल लेट एंड अदर कंट्रीज जो बात करें इन्वॉल्व है ऐसे स्वैप्स में वो ब्राजील है मेडागास्कर है फिलिपिन है एटसेट्रा लेट्स गो टू आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम सिप्स ये न्यूज में क्यों था क्योंकि इंटरनेशनल मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है आई एम ओ उसने अडोप्टे स्ट्रेटेजी ऑन द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप्स ओके के बारे में बात करें तो अडॉप्ट की गई है बाई मरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी दैट इज एम ई पी सी ए टी एंड इम्पॉर्टेंट कमेटी ऑफ आई एम ओ जीएचडी बाई शिपिंग इंडस्ट्री की बात करें तो अकाउंट करता है फॉर टू पॉइंट एट नाइन परसेंट ऑफ एंड थ्रोपोजेनिक एमिशन ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लैक कार्बन होता है नाइट ट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं एंड नाइट्रस ऑक्साइड ओके ये इंपॉर्टेंट है लॉफिंग बोलते हैं इसे याद रखना की प्रोविजन ऑफ स्ट्रेटी की बात करें तो रिडक्शन ऑफ एमिस रिड्यूस कर सीओ टू एमीस बाई एटलीसेंट बाई टी थर्टी कम्पेयर टू ट्वेंटी जीरो एट लेवल एंड नेट जीरो जी एमीशन जो है वो बाई अराउंड रीच करना है ट्वेंटी फिफ्टी तक ओके नेट जीरो रीच करना है देन टेक्नोलोजी की बात करें तो अपेक ऑफ टेक्नोलोजीज टू रिड्यू एटलीस्ट फाइव परसेंट रिड्यूस करना है टेन परसेंट क्ले ऑफ द एर्जी यूज बाई इंटरनेशनल शिपिंग बाई ट्वेंटी थर्टी ओके रिड्यूज करना इतना ओके यार पीरियॉडिक रिव्यू फाइव ईयर रिव्यू होगा एंड फर्स्ट ईयर जो है फर्स्ट रिव्यू है ट्वेंटी ट्वेंटी एट में क्योंकि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ही हुआ है ओके okay? तो फर्स्ट रिव्यू ट्वेंटी ट्वेंटी एट में होगा टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू रिड्यूज एमिजन एक क्लोज लूप स्क्रबर है यहाँ पे इंप्लाय करेंगे सी वाटर को एल्कलीज एड करके सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया टू स्क्रब द एग्जॉस्ट गैसेज देन सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन है जो कि रिड्यूस करेगा टेल पाइप एमीशंस को ऑफ नॉट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स डाउन टू नियर जीरो लेवल्स स्लो स्टीमिंग है यहां पे डेलिब्रेटली रिड्यूस कर देंगे स्पीड जो कि कार्गो सिप्स की टू कट डाउन फ्यूल कंजम्पन एंड कार्बन एमीशंस ओके देन यहाँ पे कुछ एफर्ट्स के हमें बताए गए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये बट देख लो एक बार ओके अदर एफर्ट्स टू रिड्यूसिंग फॉर रिड्यूसिंग एमीशंस फ्रॉम सिप्स इंडिया में क्या लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने रिलीज किया हरित सागर पोर्ट ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड एज द फर्स्ट कंट्री अंडर आई इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गनाइजेशन ओके याद रखना लेंगे थोड़ा आई का ग्रीन वॉयस ट्वेंटी प्रोजेक्ट मेरीटाइम विजन ट्वेंटी का प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल मेरी सेक्टर सर्टेन पोर्ट्स को डेवलप करना है एज हाइड्रोजन हब्स जो कि कैपेबल होंगे हैंडलिंग स्टोरिंग एंड जनरेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 2030 थर्टी इंपॉर्टेंट है सर्टेन जो सेंटर हैज़ टू सेट ट्वेंटी थर्टी एज टारगेट फॉर इंडिया टू बिकम ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिपिंग ओके दैन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज ने लॉन्च किया ग्रीन टक ट्रांजीशन प्रोग्राम जी टी टी पी ग्लोबली बात करें तो यहाँ पे क्लाइड बैंक डिकलेन है फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है देन फाइनेंसिंग सस्टेनेबल मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट दैट इज फिन स्मार्ट है राउंड टेबल आई ई बी आर डी वर्ल्ड बैंक इसके कोलाब्रेशन में है ये ओके देन ग्लोबल मेरीटाइम टेक्नोलॉजीज कॉपरेशन सेंटर एम नेटवर्क है जी यूरोपियन यूनियन एंड आई ने किया हुआ है देन आई एमो केयर्स है कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू रिड्यूस ए फ्रॉम शिपिंग फाउंडेशन प्रोजेक्ट 2022 ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फोर इंटरनेशनल कोड फॉर शिप्स है ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर और पोलर कोड एंड इंटरनेशनल नजीम है ये जो कि अडॉप्ट की गई है बाई इंटरनेशनल मेरी ऑर्गेनाइजेशन इन ट्वेंटी फोरटीन लेट्स गो टू आर नेक्स्ट टॉपिक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस न्यूज में क्यों था क्योंकि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आई एम डी एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी उसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोलेबोरेट करने के लिए ऑन क्लाइमेट रिसर्च ड्यूरिंग अ वर्कशॉप ऑन एन एफ सी एस इन इंडिया याद रखो नहींशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज ओके इसके बारे में बात करें तो एन एफ सी एस इंडिया जो है ये प्रपोज हुआ है जीएफसीएस दैट इज ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज दो हजार नौ से क्या हो रहा था कि स्विट्जरलैंड चाइना जर्मनी एंड यूके लॉन्च करते रहते थे एनएफसीएस अब इंडिया ने भी किया है ओके okay? एम क्या है स्ट्रेंदन करेंगे प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी डिलीवरी एंड एप्लीकेशन को साइंस बेस्ड क्लाइमेट मॉनिटरिंग होगी प्रिडिक्शन सर्विसेज होंगी रेफर टू इन नोडल एजेंसी क्या है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहां पे कौन नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज फॉर इंडिया अगर एनएफसीएस इंडिया की बात करें कौन सी क्लाइमेट सर्विसेज एनर्जी रिलेटेड हेल्थ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी वाटर एंड अदर्स ओके देन जी की बात करें अगर ये क्या है ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज याद रखो नेम ओके लॉन्च एट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थ्री इन टूट नाइन एंड कॉर्डिनेट किया गया है बाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एम ओ ये ग्लोबल पार्टनरशिप है गवर्नमेंट्स की और ऑर्गेनाइजेश्स की इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेम्बर है एम इसका है कि अचीव करे क्लाइमेट स्मार्ट सोसाइटी को सो लेट्स गो टू आर नेक्स्ट टॉपिक ट रिलेटेड टर्म्स एंड न्यूज यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो आईसीईडी थ्री पॉइंट जीरो जो नीति आयोग ने रिलीज किया है आईसीईडी मीज इंडियन क्लाइमेट एनर्जी डैशपोर्ड ओके आईसीडी एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है नियर रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करने के लिए ऑन द एनर्जी सेक्टर क्लाइमेट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक डेटा सेट्स पे बेस्ड ऑन गवर्नमेंट पब्लिस्ड सोर्सेस देन ये यूजफुल होगा इन मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस क्या है प्रोग्रेस uh, इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिकसन जर्नी की ओके देन नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे आता है वो है यू एन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैम्पियंस ओके ये क्या करता है ये कनेक्ट करता है जो गवर्नमेंट्स के वर्क हैं विद मैनी वॉल्ट्री एंड कोलेबरेटिव एक्शंस के साथ जो कि लिए गए हैं बाई सिटीज रीजन बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स नेशंस नेशंस डिसाइड करते हैं टू अपॉइंट टू हाई लेवल चैम्पियंस यहाँ पे जो यू एन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैम्पियंस थे 29 की वो कौन थे एच ई एम्स रजन अल मुबारक एंड एच ई एम्स निगार अरपदरई ओके ये दोनों थे देन द एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ई टी एसी की बात करते हैं द ग्रीन सेफ्ट द लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडिया ऑयल एंड गैस सेक्टर रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई बाई ई टी ए सी दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी काउंसिल टू द गवर्नमेंट ये रिपोर्ट फोकस कर रही थी कि इंक्रीजिंग एडॉप्शन इंक्रीजिंगली लोग एडॉप्ट कर रहे हैं क्लीन एनर्जी सोल्यूशन को सचेज हाइड्रोजन बायोफ्यूल न्यूक्लियर जियोथर्मल टाइडल इन इंडियाज एनर्जी मिक्स ओके ई टी ए सी की बात करें तो इस्टेब्लिश किया गया था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में बाई मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर्म हुआ था टू ड्रॉ एन एनर्जी ट्रांजिशन पाथवे फॉर ऑयल एंड गैस पब्लिक सेक्टर undertakings इन द कंट्री Then, short-lived halogens. ये क्या है एक रिसेंट स्टडी हुई जिससे बताया गया कि ओशंस जो हैं, वो कूल cool करते हैं प्लानट को बाई रिलीजिंग शॉर्ट लिफ्ट हैलोजेंस जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एट टू टेन परसेंट ऑफ कूलिंग में ओके शार्ट लिफ्ट हैलोजेंस जो है इनकी लाइफ टाइम जो है वो छह महीने से कम की है ये गैसेज हैं जो कि कंटेन करते हैं हाइड्रोजेंस एलिमेंट्स जैसे कि क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन ओके दैन सोर्स क्या है इनका मरीन फाइटो प्लान्टन एंड एलगी हो गए अबायोटिक सोर्सेज हैं ओशन की कुछ एंड प्रोपोस्फरिक केमिस्ट्री इम्पैक्ट क्या है इसका यह रिड्यूस कर देता है वार्मिंग को बाई डिप्लीटिंग ओजोन ओके वार्मिंग रिड्यूस करता है ओजोन डिपलीट करके एंड रिड्यूस करता है जो फॉर्मेशन है कूलिंग एरोजल्स का ओजोन डिपलीट करना है बहुत निगेटिव चीज़ है ओके okay? जो शॉर्ट लिफ्ट एलोजन होते हैं इंक्रीज़ करते हैं मीथेन के लाइफ टाइम को इन द एटमोस्फेयर ये ग्रीन हाउस कैसे याद रखो ओके एंड इंक्रीज करता है लेवल ऑफ वाटर वेपर है वेरी बैड थिंग ये मीथेन का लाइफ टाइम इंक्रीज करना ओके डी रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज की रिपोर्ट टवर्ड्स डी ट्रांसपोर्ट 2023 ट्वेंटी थ्री स्टॉकटेक ऑन सेक्टोरल एम्बीशन इन जी ट्वेंटी रिपोर्ट स्टॉकटेक हमने पढ़ा था एक प्रोसेस होती है जहाँ करते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड था ग्लोबल स्टॉकटेक ओके okay? देख लेना वो इंपॉर्टेंट है एज पर द रिपोर्ट इंडिया का जो टोटल सी ओ टू एम्बीशन है फ्रॉम फ्यूल कम्बर्सन वो ग्री हुआ है बाई थ्री हंड्रेड थर्टी परसेंट बिटवीन नाइनटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी फ्रॉम फ्यूल कम्बसन डी कार्बनाइजन किसे बोलते हैं ये एक रिमूवल होता है फिर रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट का इन एटमोसफेयर जी ट्वेंटी जो है रिस्पॉन्सिबल है मोर देन एटी परसेंट करेंट ग्लोबल सी ओ टू अमीस के लिए एंड ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट जो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट अमीशंस है उसके लिए देन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कपल्ड मॉडल इंटर कंपेरिजन प्रोजेक्ट सिक्स सी आई सी एम आई पी सिक्स एक्सपेरिमेंट ओके ये क्या है साइंटिस्ट जो है उन्होंने यूज किया है अर्थ सिस्टम मॉडल्स को ई एस एम्स को एंड हाई रेजोल्यूशन स्टिमुलेटेड प्रेसिपिटेशन को फ्रॉम कपल्ड मॉडल इंटर कम्पेरिजन प्रोजेक्ट सिक्स सी एम आई पी सिक्स एक्सपेरिमेंट से ई एस एम क्या है यह कॉम्पलेक्स इंटीग्रेशन है इन्वायमेंटल वेलेबल्स का जैसे कि एटमोस्फेयर ओशन लैंड आइस एंड बायोसफेयर का जो कि यूज होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग आ प्लानट सी क्या है ये एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम का जो कि स्पॉन्सर किया है बाई इंटरनेशनल साइंस काउंसिल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को के द्वारा स्टडी सपोर्ट करती है स्टडी सपोर्टेड अंडर क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम ऑफ द डिपारमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओके दैन अदर क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम जो है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है कोऑर्डिनेट्स ये कोऑर्डिनेट करता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम के साथ एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज के साथ जो कि दोनों ही पार्ट है अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये एट मिशन है इसके सारे के सारे याद रखने यहाँ पे दिए हुए हैं एन ए पी सी सी जो है ये आउटलाइन करता है नेशनल स्ट्रैटजी को जिससे कि इनेबल किया कैर्ज के कंट्री को अडॉप्ट करने के लिए क्लाइमेट चेंज एंड एनहांस कर सकें इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को इंडिया के डेवलपमेंट पाथ की ओके अदर सिक्स मिशंस क्या है एन ए पी सी सी के दैट मीन्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के मिशन है फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशियंसी सस्टेनेबल हैबिटेट ग्रीन इनिशियटिव एग्रीकल्चर सोलर एंड वाटर ओके देन यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है मेथिल ओटूवी माइक्रोबियम बनेस फाइव जी बी वन सी ये सीधा पूछ लेंगे कि क्यों न्यूज में था ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये एक मेथनोट्रोफ है मीथेन ईटिंग माइक्रो ऑर्गनिज्म बैक्टीरियल स्ट्रेन है ओके okay? ये पोटेंशली रिमूव कर सकता है मीथेन को फ्रॉम मेजर एमिशन साइट्स लाइक लैंड फिल्स है पैड़ी फील्ड्स है एंड ऑयल एंड गैस फिल्स है काफ़ी अच्छी है ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस बायोमास होता है आफ्टर कंज्यूमिंग मीथेन ओके विच कैन बी यूज एस फीड फीड इन एक्वाकल्चर उसे फिर फीड की तरह यूज कर सकते हैं एक्वाकल्चर में ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओके दैन नेक्स्ट यहाँ पर टर्म आता है फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट रेजिलियट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम्स ये एक डब्ल्यू एच ओ के द्वारा रिलीज किया हुआ फ्रेमवर्क है फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम्स ओके डब्ल्यू एच ओ इसे रिलीज किया करता है इसका एम है क्या इन्हांस करता है रेजिलियंस जो है हेल्थ सिस्टम्स का साइमल्टेनियसली रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को टू हेल्प सेफ गार्ड हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड ये इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंट करने के लिए अटैच गोल्स को दैट इज अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ अटैच एक डब्ल्यू एच ओ का इनिशिएटिव है जो कि स्टैब्लिश हुआ था ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ये एक इनफॉर्मल वॉलेंट्री नेटवर्क है जो कि वर्क करता है एम्बिशंस को रियलाइज करने के लिए जो कि सेट किए गए थे सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स पे टू बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियट एंड सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम्स ओके देन यहाँ पे दिया गया है जेईटीपी के बारे में जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के बारे में ये क्या है ये एक न्यू टू पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर यूरोपी डील है जो कि अनाउंस की गई है सेनेगल के लिए टू इंक्रीज रिन्यूएबल शेयर इन एनर्जी मिक्स रिन्यूएबल शेयर को एनर्जी मिक्स में इंक्रीज करने के लिए ओके जेईटीपी क्या है एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है जिसका एम है सपोर्ट करना डेवलपिंग कंट्रीज को ओके okay? उनके ट्रांजिशन में कि वो ट्रांजिशन कर सके फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सिस्टम टू क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लॉन्च किया गया था सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स इन ग्लास्को ट्वेंटी ट्वेंटी वन में सेनेगल फोर्थ कंट्री है जिसने रिसीव किया है आफ्टर साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया एंड वियतनाम ओके देन इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है एंड जो डोनर पूल है उसमें कौन से कंट्रीज आती हैं जापान है यूएसए है कैनाडा डेनमार्क फ्रांस जर्मनी इटली नॉर्वे एंड यू के सारी आ, अच्छी कंट्रीज हैं ओके okay. अच्छी मीन्स कि जो ऐसा कर सकते हैं वही हैं क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव क्या है ये ग्लोबल लैंडस्केप जो है द तो ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 एक रिपोर्ट थी जो कि रिलीज की गई बाई क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव सी के बारे में बात करें तो एक एनालिसिस एंड एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ओके विद एक्सपर्टीज इन फाइनेंस एंड पॉलिसी मिशन कैस का ये हेल्प करता है गवर्नमेंट्स को बिजनेसेस को एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए वाइल एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज सिक्स ऑफिस हैं अराउंड द वर्ल्ड इसके ब्राजील इंडिया इंडोनेशिया यूएस यू के में ओके सो विद दिस वी आर विद्लीटेड विद अदर टॉपिक्स ऑफ दिस थिंग दैट इज क्या था ये अदर क्लाइमेट रिलेटेड टर्म्स एंड न्यूज हमारे कल खत्म होते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ई पी की अगर बात करें यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तो एक इंटरनेशनल इन्वाटल अथॉरिटी है काफी मेन है अच्छे से पढ़ना जो कि इंगेज है इन एस्टैब्लिशिंग ए ग्लोबल प्रमोट करती है ह्यूमन इन्वायमेंट हेडक्वार्टर नायरो में है केन्या में वेरी इंपॉर्टेंट 193 नाइंटी थ्री यू एन मेबर स्टेट इंक्लूडिंग इंडिया इसके ये अप्रूव करता है प्रोग्राम ऑफ वर्क एंड बजट फंडिंग कैसे होती है ये वॉलंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन पे मेनली डिपेंड करता है नाइन्टी फाइव परसेंट फंडिंग नीड्स के लिए इन्वामेंट फंड जो है इसका यू का कोर फंड है होस्ट करता है ये सेक्रेटेरिएट वेरियस कन्वेंस के जो कि इन में दिया हुआ है एंड एंटिटीज के इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड सर्विसेज जो है आई आईपीसीसी जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये होस्ट कहता है जॉइंटली बाय यूएनईपी एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये इसके अंडर आते हैं नीचे जो दिए ये सारे ओके कार्बन okay. कॉमन कार्बन मैट्रिक इस पर क्वेश्चन भी आया है यूपीएसए में ओके सपोर्टेड बाई यू एन ए पी बीन डेवलप्ड फॉर असिंग द कितना कार्बन फुटप्रिंट है बिल्डिंग ऑपरेशन का अराउंड द वर्ल्ड देन मेजर ग्लोबल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स जो है अंडर यू एन ए पी उनकी बात करते हैं फर्स्ट है यहां पे साइट्स नाइनटीन थ्री दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉर्म एंड फ्लोरा पे 1979 का बॉन कन्वेंशन है फिर सी एम एस जिसे बोलते हैं कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ओके देन थर्ड आता है यहाँ पे वीएना कन्वेंशन जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन है, 1985 का है बेसल कन्वेंशन नाइन एटी नाइन का कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूमेंट्स ऑफ हजारडस एंड दियर डिस्पोजल देन यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट इज सी बी 1998 है ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हेजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड इस पर भी क्वेश्चन शायद आए हैं यू पी एस सी में ओके okay? दैन यहाँ पे स्टॉक होम कन्वेन्शन ऑन पी ओ पी दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट टू थाउजेंड वन का है मिनिमाटा कन्वेन्शन ट्वेंटी थर्टीन का है ऑन मरकरी ओके देन यहाँ पे हुआ कि टोटल फिफ्टीन इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स जो हैं वो आते हैं यू एन ई पी के अंडर रिसेंट कुछ रिपोर्ट हैं जो रिलीज किए हैं यू एन ई पी ने अडप्टेशन गैप रिपोर्ट ट्वेंटी थ्री अड्डन क्या डिफरेंस है बिटवीन इम्प्लीमेंटेड जो अडाप्टन है एंड सोसाइटली सेट गोल्स हैं उनके बीच में ओके देन की फाइंडिंग्स क्या है जो अडपटेशन फाइनेंस नीड्स हैं वो टेन टू एटीन टाइम्स ज्यादा है नीडेड है ओके देन करंट पब्लिक फ्लो जो हो रहे हैं अडपटेशन फाइनेंस गैप जो है वो एक्सपेंड हो रहा है और अभी क्या हो गया यू एस डॉलर वन नाइनटी फोर टू थ्री सिक्सटी सिक्स बिलियन एनुअली देन एक्शन प्लान जो है लॉस एंड डैमेज पे उसने ओवर लुक किया है नॉन इकोनमिक लॉसेज को लाइक like कल्चरल हेरिटेज एंड इंडिजिनस नॉलेज देन एमिशन गैप रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये दोनों इसकी जो रिपोर्ट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखो कि ये एमिशन गैप रिपोर्ट क्या करती है ये ट्रैक करती है बिटवीन वेर ग्लोबल अमीशन आर हेडिंग कहाँ पर ग्लोबल अमीशंस हेड कर रहे हैं विद करेंट कंट्री कमिटमेंट्स एंड वेयर दे ऑर टू भी कहाँ उन्हें जाना चाहिए टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस की फाइंडिंग्स की बात करें तो ग्लोबल जीएचडी एमिशन ग्रीन हाउस गैस अमीशंस वो इंक्रीज हुए हैं बाई वन पॉइंट टू परसेंट फ्रॉम ट्वेंटी 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 टू विद फॉजिल फ्यूल कम्बसन एंड जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं ये मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं हाईली अन डिस्ट्रीब्यूशन है करेंट एंड हिस्टोरिकल अमीशंस का ग्लोबली अगर बात करें तो टेन परसेंट जो पॉपुलेशन है हाईस्ट इनकम के साथ वो फोर्टी एट परसेंट अमीशंस करती है ग्लोबल वार्मिंग जो है एस्टिमेटेड है कि लिमिट हो जाएगी थ्री डिग्री सेल्सियस पे अगर अभी की पॉलिसीज कंटिन्यू रही ओके okay? तो हमें लिमिट करने की नीड है और ज़्यादा पॉलिसीज अच्छी लानी पड़ेंगी अदर रिपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे टर्निंग ऑफ द टैप हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकॉनमी बिल्डिंग मटेरियल्स एंड द क्लाइमेट कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फ्यूचर वर्ट इज कुकिंग यू एन स्पेशल एडिशन फ्रंटियर्स रिपोर्ट ट्वेंटी इन्वेस्ट इन टू हेल्दी प्लानट वेस्ट वाटर टर्निंग प्रॉब्लम टू सोल्यूशन डेवलप्ड ज्वाइंटली बाई यू एन ई पीस ग्लोबल वेस्ट वाटर इनिशिएटिव एंड जी आर आई डी एरेंडल ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक एंड ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट ये लास्ट की दो रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट ये याद रखना बाकी थोड़ा पढ़ लो याद रही तो अच्छा है नहीं याद रही तो और अच्छा है ओके लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एम ओ ये एक स्पेसलाइज्ड एजेंसी है यू की एंड यू की अथॉरिटेटिव वाइस है ऑन द स्टेट ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर की अर्थ की एटमोस्फेयर का क्या स्टेट है इसका इंटरेक्शन क्या है विद ओशियंस एंड द क्लाइमेट जेंसेस कैसे हुआ इसका स्टेब्लिश हुई थी 1950 में एंड यह रिप्लेस करती है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को जो कि 1873 में फॉर्म हुई थी हेडकवार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इंडिया भी इसका पार्ट है 193 नाइनटी इसके अंडर आते हैं ओके रिसेंट रिपोर्ट्स क्या रिलीज की डब्ल्यू ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट ट्वेंटी रिपोर्ट रिलीज की थी ग्लोबल मीन टेम्परेचर जो है 2022 में वो 1.15 डिग्री सेल्सियस अब था 1850 से 1900 के की एवरेज दें तो इयर्स yes, 2015 टू ट्वेंटी थे वो एट्थ वार्मेस्ट थे रिकॉर्ड पे कंसनट्रेशन अगर देखें थ्री मेन ग्रीन हाउस गैसेस के कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन एंड ऑक्साइड के वो रिकॉर्ड हाईस पे पहुंच गए थे 2021 में ओवरऑल बात करें तो 58 परसेंट जो ओशियन सरफेस है उसने एक्सपीरियंस किया एटलीस्ट एक मरीन हीट वेव को ड्यूरिंग 2022 एंड द रेट ऑफ जो ग्लोबल मीन सी लेवल राइज था वो डबल हो गया था इस टाइम पे ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन की बात करें तो ग्लोबल एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन जो है ट्वेंटी में वो रिप्रेजेंट करते हैं वन इंक्रीज फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स देन मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गए टू सिक्सटी फोर परसेंट एंड वन ट्वेंटी फोर परसेंट रेस्पेक्टिवली फ्राम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू फ्राम नाइनटीन नाइन्टी से लेकर के ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक की बात करें तो रेडिएटिव फोर्सिंग जो है बाई लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैसेज वो इंक्रीज हो गई है फोर्टी नाइन परसेंट से एंड अगर सी ओ टू की बात करें तो सेवेंटी एट परसेंट से रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया जो है ऐड हो रही है या फिर रिमूव हो रही है क्लाइमेट सिस्टम से देन यहाँ पे दो कुछ और रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओवर फिफ्टी परसेंट जो ग्लोबल कैचमेंट्स हैं वो एंड रिजर्वास हैं उन्होंने डेवियशन शो किया है मोस्टली ड्रायर हैं देन यूजल जो है सॉयल मॉइस्चर में एंड इवेपो ट्रांसपारेशन में वो भी मैच की गई हैं उन्होंने मैच किया इस डेविएशन को नोटेड इन रिवर डिस्चार्ज कंडीशन एशियन वाटर टावर ए डब्ल्यू टी की बात करें तो दो से लेकर के दो तक टोटल ग्लेशियर मास जो है रीजन में वो डिक्रीज हो गया है By 4.3 percent approximately. परसेंट अप्रॉक्सिमेटली ए करता है तिब्बतन प्लेटियो हिमालयास काराकोरम हिंदूकुश पामीरस एंड तेनसान माउंटेन्स को कलेक्टिवली इसे बोलते हैं थर्ड पोल ओके ये आप याद रखो काफी इंपॉर्टेंट है अदर रिपोर्ट्स कौन सी हैं जो रिलीज करता है डब्ल्यू एम ओ ग्लोबल क्लाइमेट ट्वेंटी एलेवन टू ट्वेंटी ट्वेंटी रिपोर्ट इसने रिलीज की थी स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ग्लोबल वॉच एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन ग्लोबल टू डिकेडल

फ्रू गैस डी सल्फराइजेशन ये आप अच्छे से पढ़ना और सर्कुलेटिंग सी fluid, uh, जो एट परसेंट ऑफ द टोटल जनरेशन कैपेसिटी एमीशन नॉम्स क्या है थर्मल पावर प्लांट के लिए इन्वाडर्ड जो है फॉर कंट्रोलिंग एसओ टू एनओ एक्स एंड मर्क फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लाट्स ये सब है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे बाई एम ओ एफ सी सी ओके देन अंडर द इन्वयरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 टाइमलाइंस जो है वो एक्सटेंड की गई थी फॉर मेजॉरिटी ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स इन इंडिया 2021 में एंड 2022 में की हाईलाइट अगर इन नॉर्म्स के देखें तो थ्री कैटेगरीज हैं विद थ्री डिफरेंट डेडलाइंस कैटेगरी ए क्या बोलती है कि अगर आप विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ दिल्ली एन सी हो या फिर सिटी उस सिटी के रेडियस में हो जो 10 लाख ,00 से जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपको दिसंबर 2024 तक की डेडलाइन दी गई थी ओके वन डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी देन कैटेगरी बी में वो आते हैं जो टेन किलोमीटर रेडियस में है क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज के या फिर नॉन अटेनमेंट सिटीज के दो सिटीज़ जो फेल हो गई हैं मीट करने में नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ओके okay? यहाँ पे डेडलाइन थी थर्टी वन डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ये दो साल से आगे बढ़ाई गई थी ओके देन कैटेगरी सी में कौन से आते थे फॉर ऑल अदर पावर प्लांट्स जो हैं उनकी डेडलाइन बढ़ा दी गई थी ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तक के लिए पहले ट्वेंटी ट्वेंटी फोर थी राइट right? एंड पावर प्लांट्स जो डिक्लेयर कर देंगे कि रिटायर हो रहे हैं थर्टी वन डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन से पहले उन्हें रिक्वायर्ड नहीं होगा कि ये एसओ एक्स नॉर्म्स को वो फुलफिल करें ओके देन यूज ऑफ बेनिफिशिएटेड कोल ये मिनिमाइज करता है फ्लाई एस जनरेशन को कोल बेनिफिकेशन क्या होता है ये एक प्रोसेस है थ्रू विच कम्बस्टन एट्रीब्यूट जो होता है कोल का वो इन्हांस किया जाता है बाई सेपरेटिंग इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को जैसे कि वर्टाइल मैटर या फिर एस जो है फ्रॉम ड्रॉ कोल ईच थर्मल पावर प्लांट जो है जनरेट करता है जनरेटिंग uh, स्टेशन जो है उसे अचीव करना चाहिए हंड्रेड परसेंट यूटिलाईजेशन ऑफ टोटल पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी प्लांट ऑपरेशन वो देखते हैं प्री कम्बस्टन फेज में कोल्ड वाशिंग एंड ब्लैंडिंग की जा सकती है इनकमशन मतलब कम्बस्टन के टाइम पर क्या कर सकते हैं लो नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्नर एल एन बी एंड ओवर फायर एयर ओ एफ ए इन बॉयलर यूज कर सकते हैं फॉर एनो एक्स दैन लाइम स्टोन इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं इन टू द फोरनेस ऑफ एसओक्स एस ओ एक्स रिड्यूस कर सकते हैं वहाँ से देन सी एफ बी सी बॉयलर्स हाईली फ्यूल फ्लैक्सीबल होते हैं ये इन्वॉर्मेंटल फ्रेंडली टेक्लॉजी है यूटीलाइज करने के लिए लो ग्रेड एंड हाई मॉइस्टर डिग्लाइट को देन पोस्ट कम्बस्टन में कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एसओ एक्स अमीशन के लिए यहाँ पे फ्रू गैस डिसलफराइजेशन अवेलेबल है दैन एनओ एक्समीशन के लिए सेलेक्टिव कैटोलिटिक या फिर नॉन कैटोलिटिक रिडक्शन एस सी आर फिर एस एन सी आर अवेलेबल है

तो दिया okay? गया था टू थाउन में इन द मैटर ऑफ एम सी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग एयर क्वालिटी इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ डेली फर्स्ट नोटिफाई किया गया था ये अंडर इनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 इन जनवरी 2017 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवाइट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इम्प्लीमेंट जो करना होता है जी आर ए पी को यह पहले इन्वायमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो थी वो करती थी बट अब ये यह कर दिया गया था एंड ट्वेंटी ट्वेंटी जी आर एपी इंप्लीमेंट करता है सी ए क्यू एम दैट इज कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर ओके देन सिंस अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्या हो रहा है कि जी आरोप एनफोर्स किया था यह बेस्ड ऑन द एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एयर क्वालिटी इंडेक्स ओके ओल्डर वर्जन तो जो था जी आर एपी का वो एनफोर्स किया था बेस्ड ऑनली ऑन द्रेशन ऑफ पी एम टू पॉइंट फाइव एंड पी एम टेन ये इंपॉर्टेंट है अर्लियर पी एम टू पॉइंट फाइव एंड पी एम टेन को ही कंसिडर करते थे बट अब क्या किया गया चेंज कर दिया गया क्लासिफाइड अंडर फोर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एडवर्स एयर क्वालिटी इन डेल्ही शोन इन टेबल अब इस टेबल को अच्छे से पढ़ते हैं ओके सो स्टेज वन जो है वो पुअर एयर क्वालिटी को लेकर के है जब 201 से 300 होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स ओके okay? यहाँ पे एक्शन क्या ले जाएंगे स्ट्रिक्टली एन्फोर्स किया जाए किया जाएगा एन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर एस सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ऑन ओवर एज डीजल और पेट्रोल व्हीकल एंड एज पर एक्सटैंड स्टैच्यूज इंश्योर करेंगे कि होटल रेस्टोरेंट एंड ओपन इट रीज जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या फिर क्लीन फ्यूल गैस बेस्ड अप्लाइंस हैं वही यूज करें शिफ्ट करें फ्रॉम स्टेज टू टू स्टेज वन न्यू एडिशन भी हुए हैं सिटीजन चार्टर जैसे कि ये प्रेफर करेंगे कि हाइब्रिड व्हीकल्स लोग रखें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू कंट्रोल वही पॉल्यूशन वो डू नॉट ड्राइव ड्राइव ना करें या फिर काम में न लाए 10 से फिफ्टीन इयर्स ओल्ड जो डीजल या पेट्रोल व्हीकल्स हैं ओके देन स्टेज टू क्या है वेरी पुअर एयर क्वालिटी तीन सौ एक से चार सौ तक अब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गई है यहाँ पे क्या होगा शेड्यूल फॉर जो रेगुलेटेड ऑपरेशन ऑफ डी जी होगा डी जी सेट्स वो अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन द एनसीआर इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल रेजिडेंशियल एंड ऑफिस ऑफिसमेंट एक्सेट्रा रेगुलेटेड ऑपरेशन होंगे ओके देन न्यू एडिशन क्या किए गए हैं इंश्योर किया जाएगा कि फोकस्ड एंड टारगेटेड एक्शन होना चाहिए ऑन द प्री डोमेंट सेक्टर जो भी हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एडवर्स एयर क्वालिटी जो कॉन्ट्रीब्यूट करें इन ऑल आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स इन एनसीआर स्टेज थ्री सीवियर एयर क्वालिटी को लेकर के चार सौ एक सौ चार सौ पचास पहुंच गया है यहाँ पे क्या होगा कि एनसीआर स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं ओके okay. एंड जो गवर्नमेंट है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली की GNCTD, ये जीएनसी करेंगे स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन जो भी लोग काम में ला रहे हैं बी एस थ्री पेट्रोल एंड बी एस फोर डीजल व्हीकल्स व्हीलर्स को न्यू okay, एडिशन क्या किए गए हैं एनसीआर स्टेट गवर्नमेंट या जी एन सी टी डी जो है वो डिसीजन ले सकते हैं कि फिजिकल क्लासेस जो स्टूडेंट्स हैं अप टू क्लास फाइव वो डिसकॉन्टिन्यू कर दी जाए देन स्टेज फोर अगर फोर फिफ्टी प्लस भी पहुंच गया तो सीवियर प्लस एयर क्वालिटी है ये न्यू एडिशन क्या है यहाँ पे सारे न्यू एडिशन हैं ये परमिट नहीं करेंगे एल को कि रजिस्टर कर सकें आउटसाइड नॉट परमिट एल सी वी रजिस्टर्ड आउटसाइडर्ड हैं आउटसाइड उन एल सी वीज को परमिट नहीं करेंगे अदर देन जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सी एन जी हैं बी एस सिक्स डीजल हैं या फिर एक्सेप्ट दो कैरिंग इसेंशियल कॉम्यूनिटीज और प्रोवाइडिंग इसेंशियल सर्विस एनसीआर स्टेट गवर्नमेंट या फिर जी एन सी टी डी जो है वो एक्सल ले सकता है कि फिजिकल क्लासेस जो हैं वो डिसकॉन्टिन्यू कर दी जाए इवन फॉर क्लास सिक्स टू नाइन्थ एंड क्लास एलेवेंथ

एंड इट्स नेबरिंग रीजन दैट इज इन पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान क्योंकि इन्हीं मेनली पंजाब हरियाणा की वजह से ही एनसीआर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है ये रिलीज करती है स्टैचूट्री डायरेक्शन जो भी होते हैं इन्वयमेंटल पॉल्यूशन के लिए टू तो द स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करें तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में दिया गया है वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ये चार लाइन तीन लाइने ओके ये रिलीज करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसमें एट पॉल्यूटेंट्स आते हैं पी एम टेन पी एम टू पॉइंट फाइव टू ओजोन एसओ टू सीओ एनस्ट्री एंड लेड पी बी सी ओ टू नहीं है इसमें यह सारे के सारे याद करने होंगे हमें ए क्यू आई कम्युनिकेट्स करता है एयर क्वालिटी स्टेटस के साथ यूजिंग सिक्स कैटेगरीज रेंजिंग फ्रॉम गुड टू सीवियर ओके देन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में दिया गया है लेट्स रीड इट ये एक स्टैचुट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंदर वाटर एक्ट वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर भी याद रखो इसके बारे में पढ़ना भी ओके लेटर वाज इंटरेस्टेड विद पावर्स एंड फंक्शन जो है एयर एक्ट के भी अंदर आती हैं वाटर एक्ट के भी अंदर आती है सी बी सी बी जो है अलॉन्ग विद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेजि जो भी होते हैं रिलेटिंग टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एन्वॉर्मेंटल पॉल्यूशन मेजर इनिशिएटिव्स क्या है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो एन है ये एक नेशन वाइड प्रोग्राम है एम्बियट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए एन के अंडर फोर एयर पोर्टेंट जो है वो रेगुलर मॉनिटरिंग उनकी होती है एट ऑल दी दोकेशन ओके याद रखो ऑल दी दोकेशन जो जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज एनोस टू हो गया, गया रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आर एस पी एम या पी एम टेन दैन फाइन पार्टिकुलेट मैटर दैट इज पी एम टू पॉइंट फाइव दैन एक और है प्राण पोर्टल ओके okay?

ओके कलर कोड भी थोड़ा ध्यान रखो एकदम रेड जो है वो एकदम सीवियर नहीं है सीवियर जो है थोड़ा ऑरेंज हो रहा है ओके माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू सेंसिटिव पीपल ओके देन हंड्रेड वन से टू हंड्रेड हो गया तो ये मॉडरेट है ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है पीपल्स को विद लंग्स एंड हार्ट डिसीज के साथ जो होते हैं देन टू हंड्रेड वन से थ्री हंड्रेड हो गया तो तो पुअर ही हो गया ओके ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट मोस्ट पीपल्स को होगा ऑन प्रो एक्सपोजर इवन आप डेली में आओगे तो अचानक से आपको लगेगा जुकाम हो गया ओके okay. थ्री हंड्रेड वन से फोर हंड्रेड है तो वेरी पुअर रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाएगी प्रोलॉन्ग एक्सपोजर पे ओके okay? कई लोगों को हो जाती है आपकी नोज जलने लगेगी बिल्कुल फोर हंड्रेड वन से फाइव हंड्रेड की बात करें तो ये सीवियर हो जाता है फिर तो कोई बात ही नहीं खत्म सब अफेक्ट्स हेल्दी पीपल एंड सीरियसली इम्पैक्ट्स डोज विद एग्जिस्टिंग डिसीजेस उनके लिए तो बहुत ही हार्मफुल है देन ये टॉपिक हमारा खत्म होता है यहीं पर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज रेगुलेशन ऑन फायर क्रैकर्स न्यूज में क्यों था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि जो डायरेक्टेड टू अप्लाई द रेगुलशन की रेगुलेशन अप्लाई होंगे के स्टेट पे ओके okay? और न्यूज में क्या था सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया बेरियम कि आप याद रखो बेरियम नाइट्रेट वेरी हार्मफुल ये अपलिकेबल है अक्रॉस द कंट्री ओके ग्रीन क्रैकर्स जो है परमिसेबल है फॉलोइंग डायरेक्शन कोर्ट इन ट्वेंटी देन पे एंड टॉक्सिक नेचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया गया है जो कि यूज होते हैं फायर क्रैकर्स में अच्छे से पढ़ना कंपाउंड एंड उनके इफेक्ट्स एल्यूमिनियम ये कॉन्टैक्ट करता है के साथ होता है इसका सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन होती है फ्रॉम सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड अफेक्ट्स वाटर सोर्सेज वेजिटेशन एंड कॉजे प्रॉपर्टी डैमेज ओके प्रॉपर्टी डैमेज मीन ताजमहल आप ले सकते हो पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो टॉक्सिक डस्ट है ये कार्सिनोजेनिक है ओके okay? सल्फर कोल कंपाउंड्स कार्सिनोजनिक मीन्स जिसके अंदर पोटेंशियल है कैंसर को कॉज करने का ओके देन एंड कॉज कर सकता है प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम एंड एनिमल्स में भी ओके ओके बेरियम नाइट्रेट वेरी पॉइजनस पॉइजनस है फ्यूम्स कैन इरिटेट कॉपर कंपाउंड्स की बात करें तो पॉलीक्लोनेटेड डाइऑक्सिन्स एंड डाइबेंजोफ्यूल जो है इसमें आते हैं देन कैन बायोक्विलेट ये बायोक्विलेट हो सकता है कैंसर रिस्क भी होता है इसकी वजह से एंटीमनी सल्फाइड ये टॉक्सिक स्मोक है पॉसिबल कार्सिनोजन है कि शायद ये इसकी वजह से भी कैंसर हो सके लेड डाइऑक्साइड नाइट्रेट या फिर क्लोराइड की बात करें तो ये बायोक्विलेट होगा डेवलपमेंटल डेंजर फॉर किड्स एंड अर्बन बॉडीज अनबॉन्ड बेबीज सॉरी मे रिमेन एयर बॉन्ड फॉर डेज पॉइजनस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स काफ़ी इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं सभी के लीथियम कंपाउंड की बात तो है जो टॉक्सिंग है इरिटेटिंग है फ्यूम्स वेन बर्न जब बर्न किए जाते हैं मरकरी की बात करें मरक्यूरस क्लोराइड की ये एक हैवी मेटल है टॉक्सिक हैवी मेटल एंड बायोकमेट हो सकता है आर्सेनिक कंपाउंड्स ये टॉक्सिक एस है जो कि लंग कैंसर कैंसर कॉज कर सकती है स्किन इरिटेशन हो सकता है वाट फॉर्मेशन हो सकता है वाट फॉर्मेशन आप सर्च करके कमेंट में डालो कि क्या होता है स्ट्रॉटियम कम्पाउंड की बात करें तो ये रिप्लेस कर सकते हैं कैल्शियम को जो बॉडी में होता है कैल्शियम रिड्यूज़ हो गया तो, तो खत्म ही है काम स्टोनसियम क्लोराइड इज स्लाइटली टॉक्सिक टॉक्सिक भी होता है अगर ग्रीन क्रैकर्स की बात करें तो ये हजारडस एलिमेंट्स को कंटेन नहीं कर सकते करते लाइक बेरियम नाइट्रेट ये थर्टी परसेंट रिडक्शन कॉज करते हैं इन पार्टिकुलेट मैटर यूजिंग पोटेशियम नाइट्रेट एज ऑक्सीडेंट देन सी एस आई आर जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नीरी जो है नेशनल इन्वामेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप किए हैं उसने ग्रीन क्रैकर्स थ्री टाइप्स के यहाँ पे दिखाए गए हैं स्वास्थ स्टार एंड सफल स्वास क्या है ये एक सेफ वाटर रिलीजर है ये सप्रेस करता है जो कि डस्ट रिलीज होती है बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इन द एयर देन स्टार की बात करें तो ये एक सेफ थर्माइट क्रैकर है ये कंपराइज नहीं करता पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर को एमिट करता है रिड्यूस्ड पार्टिकुलेट मैटर डिस्पोजल एंड रिड्यूस करता है साउंड इंटेंसिटी को भी सफल की बात की गई है ये एक मिनिमम यूजेज है uh, सफल में मिनिमम यूजेज हुआ है एल्यूमिनियम क्या इंस्टेंट यहाँ पे मैग्नीशियम यूज कर लिया ओके okay? देन नीरी जो है ये नागपुर में है एंड मैंडेटेड है कि कंडक्ट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टडीज इन एनवाटल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट में ई e क्रैकर्स के बारे में बताया गया है सी एस आई आर जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडस्ट्री एंड रिसर्च ओके यहाँ पे दिया है इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल फॉर ओके सॉरी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सी डी के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक लेबोरेटरी है यहाँ पे जो कि डेवलप करते हैं सेफ एंड पॉल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर्स ई क्रैकर्स मीट करने के लिए लेटेंट सोशल एस्परेशन जो इंजॉइंग फायर के हैं कि लोग तो मतलब जरा क्रैकर्स तोड़ फोड़ने में मजा तो आता ही है उनको तो उसके लिए सोसाइटी के भी नीड uh, का ध्यान रखता है ये इंक्लूड करता है वेरियस प्रोडक्ट्स को लाइक ई लाड़ी ई अनार सिस्टम फॉर ई क्रैकर्स हो एट्सेट्रा प्रेजेंटली बात करें तो सी एस आई आर एंड सीरी जो है ये रेडी है विद द लेबरेट्री लेवल प्रोटोटाइप ऑफ ई लाड़ी लाड़ी एक बेस्ड ऑन हाई एकज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जिससे कि जनरेट होगा लाइट या साउंड इफेक्ट ओके सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रॉप मैनेजमेंट गाइडलाइंस ये न्यूज में क्यों था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है उसने रिवाइज किया है क्रॉप रेजिटिव मैनेजमेंट गाइडलाइंस को और न्यूज में अगर बात करें तो गाइडलाइंस इनेबल करेंगी एफिसियंट एक्सिटू मैनेजमेंट जो होना चाहिए मतलब ऑफ साइट मैनेजमेंट जो होना चाहिए पैड़ी स्ट्रॉ का जनरेटेड इन पंजाब हरियाणा यूपी एंड दिल्ली एंड प्रिवेंट करेंगे इस डबल वर्निंग को इनकी गाइडलाइंस में आया है की फीचर्स क्या हैं गाइडलाइंस के टेक्नो कॉमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट जो है फॉर पैड़ी स्ट्रॉ सप्लाई चेन ये स्टेबलिश किए जाएंगे बिटवीन बेनीफिशियर एग्रीगेटर दैट इज फार्मर रूरल एंटरप्रनोर एफ पी ओ एट्सेट्रा एंड इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो भी नीडेड होगा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल सपोर्ट एट द रेट सिक्सटी फाइव परसेंट जो भी होगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का एंड गवर्नमेंट मीस यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट करेगी ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड फार्मर रूरल एंटरप्रन्य एफ पी ओ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टेन परसेंट ओके स्टेट गवर्मेंट्स अप्रूव करेंगी प्रोजेक्ट्स सो प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग कमेटी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेंगे प्रोजेक्ट्स याद रखना

सी एच फोर मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ एन टू ओ एंड एन ओ एक्स पार्टिकुलेट मैटर लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्री हो जाता है इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट होता है इन्वॉर्मेंट एंड सॉइल हेल्थ पे रीजनस क्या है क्यों करते हैं लोग स्टेबल बर्निंग फार्मर्स जो होते हैं वो लेस लेबर इंटेंसिव मैथड्स यूज करते हैं सच एस कम्बाइंड हार्वेस्टर लिविंग बिहाइंड राइस स्टबल तो इतना काट काटते उठते हैं सीधा जला देते हैं ओके okay? हटाते नहीं उसे टेन डेज गैप होता है बिटवीन राइस हार्वेस्टिंग सीजन एंड इंग ऑफ वीट के बीच में सो so इस भी भी एंड ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल प्रैक्टिस भी है ये एक ये पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है देन ऑप्शन क्या है एक्स सी टू ऑफ साइड मैनेजमेंट के लिए क्रॉपजेस्टिव के लिए बायोमास बना देंगे एज अ फ्यूल सब्सटीट्यूशन इन थर्मल पावर प्लांट्स देन प्रोडक्शन हो जाएगा इससे कंप्रेस्ड बायोगैस या फिर बायोसीएन जी का पैडी स्ट्रॉ से एल्कोहल प्रोडक्शन में भी बायो पैडी स्ट्रॉ का यूज किया जा सकता है देन अमीशन फ्राम स्टेबल बर्निंग अगर एमीशन क्या होता है स्टेबल बर्निंग से अगर वन टन स्ट्रॉ जलाएंगे तो क्या रिलीज होगा पार्टिकुलेट मैटर थ्री किलोग्राम रिलीज होता है बहुत है सिक्सटी के जी कार्बन मोनोऑक्साइड चौदह सौ साठ के जी कार्बन डाईऑक्साइड वन नाइनटी नाइन के जी एस ओके टू के जी सल्फर डाईऑक्साइड इतना सब इमिट होता है सिर्फ वन टन ऑफ स्ट्रॉ से सो so, इसके साथ ही हम यहाँ पे अपने टॉपिक को एंड करते हैं इस लेक्चर को एंड करते हैं फोर्टी मिनट्स हो गए हैं हम ऐसे ही कवर करेंगे ओके सो लेट्स सी कि नेक्स्ट लेक्चर में कौन से टॉपिक्स कवर होंगे सो एयर पॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे थे क्लाउड सीडिंग एंड स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सिर्फ दो टॉपिक ही बचे हैं देन वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन है ये भी कवर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में दिया हुआ है ये भी कवर होगा लैंड डिग्रेडेशन भी कवर हो जाएगा अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हम कवर कर लेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटीज एंड इनिशिएटिव ये अगर स्टार्ट करेंगे तो एंड कर देंगे लेक्चर में अदरवाइज हम छोड़ देंगे एंड बायोडाइवर्सिटी के साथ स्टार्ट करते हुए पहले ये कवर करेंगे ओके okay? सो so, इसी के साथ ही ये लेक्चर एंड होता है एन्वायमेंट की पीटी 65 सिक्सटी फाइव आप सभी को शेयर करते रहो प्लीज़ जिससे कि लोगों तक रीच बढ़े एंड uh, मुझे भी सब्सक्राइबर्स वगैरह मिल हैं थोड़े बहुत सो so, थैंक